ऑपरेशन स्टार्ट करते स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टैक्सी में बैठा पैसेंजर चिल्ला चिल्ला के ड्राइवर से टैक्सी रोकने को कहता है, लेकिन वो पोजेस्ड होने की वजह से रुक नहीं पाता। तभी एक औरत गाड़ी के साथ हिट होती है और पास ही मौजूद झील में जा गिरती है। तभी वहाँ चाव और आफो नामी टू स्पिरिट्स आती है। उनको देखते ही ड्राइवर के अंदर से जॉन नामी ईवर भूत बाहर निकल आता है और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लेडी जो पानी में गिरी थी उसकी बच्ची बैठी रो रही थी कि कोई मेरी मॉम को बचाए। तभी हम वहाँ जॉन नामी एक और स्पिरिट को देखते हैं जो उस लेडी को बचा के बाद में उस ईवर गोस्ट को कैद करके ले जाता है। असल में जॉन एक गोस्ट किंग है और चाव और आफो उसके असिस्टेंट हैं। इन सब की जिम्मेदारी ह्यूमन वर्ल्ड में तमाम भटकती सोल्स को अंडरवर्ल्ड में लेके जाना है। इस नेक्स्ट सीन में हमें अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ वो तीनों यॉन को पकड़ के ले आए थे। वहीं हम एक लड़की मैन 1087 को देखते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड से आने वाली सभी स्पिरिट्स को चाय की तरह का एक ऑब्लिवेशन सूप पिलाती है जिससे उनके पास की सारी यादें मिट जाती है। मैन और चाव किसी बात को लेके बहस करने लगते हैं। तभी मौका देखते ही जॉन अपने हाथ खोल लेता है और उनके दरमियान दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। चाव में शक्ति है कि वो जरूरत पड़ने पर एक तलवार में तब्दील हो सकती है। लड़ाई जब बढ़ने लगती है तो जॉन को बचने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता तो मैन को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे अपने साथ ह्यूमन वर्ल्ड में ले आता है ताकि कोई उसे रोक ना सके। जॉन मैन को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। मैन का ह्यूमन वर्ल्ड में नाम जेनियो है लेकिन हम मैन ही कहेंगे। ह्यूमन वर्ल्ड में वो बेस्ट कॉफी मेकर है। वो कॉफी का स्टॉल लगाती है और उसे अपने पास्ट की कोई मेमोरी भी याद नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड में हम जॉन को देखते हैं जो यॉन को तलाश कर लेता है। वो उससे मैन का पता पूछता है और ये कि वो कैसे जानता है कि स्पिरिट स्वॉर्ड यानी चाव जब तलवार बनती है उसका सामना कैसे करना है या उसे कंट्रोल कैसे करना है। उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। लड़ाई के दौरान अचानक जॉन पे कोई स्पिरिट हमला करती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। मैन ग्रैंड मा वू की बेकरी जाती है। वो ग्रैंड मा वू की उनकी बेकरी के लिए कोई हेल्पर ढूंढने में मदद करती है तो वो दोनों बेकरी के बाहर इश्तेहार लगा रही थी। तभी उन्हें बेकरी के पहले कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज़ आती है। जब वो देखने जाती है तो मैन उसे कोई क्रिमिनल समझ के पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन ग्रैंडमा मना कर देती है। जॉन जब मैन को अपने सामने देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और कहता है मैन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। याददाश्त न होने की वजह से वो सोचती है कि शायद ये मुझे जानता है। जॉन उसे खींच के अपने पास करता है और तभी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो रियलाइज करता है कि मैन कुछ बदली बदली सी है और उसके आसपास हेवन की कोई पावर भी नहीं है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसे अपना लैंडलाइन नंबर बता के उसे कहती है कि मुझे लाइन में ऐड करना क्योंकि ये जो हमने तोड़ फोड़ की है इसके पैसे मैं तुमसे लूंगी। इतना कह के फिर वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा जॉन के लिए पानी लेने जाती है लेकिन तभी वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। मैं का कॉफी का स्टॉल पुलिस ले जाती है जिस वजह से अब उसे अर्जेंट बेसिस पे जॉब ढूंढनी थी। वो अपनी रूममेट एनसी जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई है उसे बताती है कि मेरा इंटरव्यू है। एनसी कॉलेज स्टूडेंट है और फ्यूचर में एक रिपोर्टर बनना चाहती है। वो कहती है कि मालिक मकान ने बोला है अगर कल तक रेंट ना दिया तो वो घर से निकाल देगा। जॉन भी अब अपने असिस्टेंट के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में रहने लगा है। तभी वहाँ एक क्वीन शिन नामी लेडी आती है। वो हेवन से जॉन को ऑफिशियली ह्यूमन वर्ल्ड पे रहने का पास देने आई थी जिसके बाद वो लोग बिना रोक टोक अपना मिशन खत्म होने तक रह सकते थे। उसके जाने के बाद आफू दिखाया जाता है जो तीनों के लिए मोबाइल और वॉलेट लेके आया है क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में रहने के लिए चीजें जरूरी हैं। अगली सुबह मैं इंटरव्यू देने से पहले ग्रैंडमा की बेकरी जाती है। ग्रैंडमा वैसे तो बहुत अच्छे ब्रेड बनाती हैं लेकिन लोगों को अब उनके ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं आते इसलिए मैं बाहर स्टॉल लगा के ब्रेड बेचने लगती है। तभी उसे वहाँ जॉन नजर आता है। वो उसे थोड़ा साइड पर ले जाके कहती है कि तुम क्रिमिनल हो, ऐसे सड़कों पे घूमोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। फिर वो उसका मोबाइल लेके खुद अपना नंबर उसमें ऐड करती है और उसे एक स्टिकर सेंड करती है और वहाँ से एनसी के कॉलेज चली जाती है क्योंकि जब उसने उसे कॉल की थी तो उसे कुछ लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। इस सारे चक्कर में वो इंटरव्यू के लिए जाना तो भूल ही जाती है। बेकरी के बाहर ग्रैंडमा जॉन को खाया देख के उसे अंदर ले जाती है और उसे जॉब ऑफर करती है कि
क्योंकि उनका ख्याल है कि जोंग इतना हैंडसम है कि लड़कियां उसे देखने आएंगी और मेरी ब्रेड के सेल बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू पे ना जाने की वजह से दोनों बहुत परेशान थी। जैसे ही शाम में वो घर आती है तो उनका सामान पहले ही बाहर निकला पड़ा होता है। वो दोनों किसी पुराने से होटल का कमरा रेंट पे लेती है। वहाँ बहुत से भूत मौजूद है। यहाँ बताती चलूँ कि मैं भूतों को देख सकती है, उसके कुछ भूत दोस्त भी हैं। कमरे में जाते समय मैं को वहाँ भूत नजर आते हैं तो उन्हें साइड होने का इशारा करती है और वो रास्ते से हटते जाते हैं। वो सोचती है कि वहाँ कितने अच्छे भूत हैं, लेकिन असल बात तो है कि वो सभी उसके पीछे जोंग को देख के डर के छुप रहे थे कि कहीं वो उन्हें अपने साथ न ले जाए। जोंग घर आके उसे बार बार स्टिकर भेजता है जिससे वो इरिटेट होने लगती है कि इसे और कोई बात नहीं आती क्या। तभी मैंग एक मैसेज देखती है कि वो कल भी इंटरव्यू देने जा सकती है क्योंकि अभी किसी की सिलेक्शन नहीं हुई। अगले दिन दोनों इंटरव्यू वाली जगह पे पहुंचती हैं। वो कॉफी शॉप एनसी के टीचर प्रोफेसर लू, जिसका रियल नेम बोया है, उसकी थी। मैंग की बनाई हुई कॉफी उसे बहुत पसंद आती है और वो उसे अपने कैफे में जॉब दे देते हैं। जॉब की खुशी में दोनों रात में सेलिब्रेशन करती हैं और वो एक ब्रिज पे पिक्चर्स ले रही होती हैं। फिर सीन जोंग की तरफ शिफ्ट होता है जिन्हें सिग्नल मिलता है कि एक फीमेल भूत किसी लड़के को तंग कर रहा है। वो उसे पकड़ने जाते हैं। दरअसल धरती पे कुछ ऐसे भूत हैं जिनकी डिजायर्स अभी पूरी नहीं हुई या वैसे किसी मकसद के कारण उनकी आत्मा भटकती रहती है। उनमें फाइट होती है। पकड़े जाने के खौफ से वो ऊपर ब्रिज पे खड़ी मैंग और एनसी पर हमला करने जाती है, लेकिन जोंग फौरन जाके एनसी को बेहोश कर देता है और मैंग को प्रोटेक्टिवली पकड़ लेता है जिससे उसके जादू का उन पे असर नहीं होता। लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते और वो भाग जाती है। अगली सुबह जब वो जाती है तो वो अपने घर पर मौजूद थी और उन्हें रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर हम थोड़ा फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब जोंग के दोनों असिस्टेंट उन्हें घर छोड़ने आए थे तो उन्होंने इनकी इस मेमोरी को इरेज कर दिया था। वापस जाके वो दोनों जोंग से कहते हैं कि आपने हमें मैंग के बारे में क्यों नहीं बताया। सीन्स वापस प्रेजेंट में आता है। मैंग फोन में फोटोज देखने लगती है। तभी उसे उनमें एक भूत नजर आती है और एक फोटो में उसे किसी ने पकड़ा हुआ था। वो उसी ब्रिज पे जाती है ताकि पता लगा सके कल रात क्या हुआ था। तभी उसे वहाँ जोंग नजर आता है। वो दोबारा उसे अपने पास्ट के बारे में पूछती है लेकिन वो उसे पकड़ के कहता है तुम ठीक हो। मैंग को याद आता है कि उस रात भी उसे किसी ने ऐसे ही बोला था। वो जोंग से पूछती है कि रात तुम ही थे, मगर वो बस इतना ही कहता है कि सही वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैंग सोचती है कि इसे जरूर मेरे बारे में कुछ पता है तो वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन अनजाने में जब वो अपने कैफे के पास से गुजरती है तो उसकी बोया के साथ टक्कर हो जाती है और बोया की सारी कॉफी उसी पे गिर जाती है। मैंग एम्बैरेसमेंट में उसे कपड़े दिलाने मॉल ले जाती है। जोंग को आइडिया था कि वो उसका पीछा कर रही है, लेकिन जब काफी देर तक वो उसके पीछे नहीं आती तो वो उसे तलाश करता करता ग्रैंड माँ की बेकरी के सामने चला जाता है। ग्रैंड माँ से देख के अंदर ले जाती है और दोबारा से जॉब ऑफर करती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं जिनके बॉस का नाम खयान था। वो चीजों की तोड़फोड़ करने लगते हैं क्योंकि ग्रैंड माँ के बेटे ने इसके डैड से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन बाद में खयान जोंग का ह्यूमन असिस्टेंट बन के गोस्ट को पकड़ने में उसकी मदद करता है। उनके जाने के बाद जोंग कुछ टाइम के लिए ग्रैंड माँ को बेहोश करके सभी कुछ ठीक कर देता है और एक गोस्ट शेफ को बुला के मजे मजे के ब्रेड भी बनवाता है जिसे देख के ग्रैंड माँ बहुत खुश होती है। अगले दिन मैंग और एनसी लंच करने फूड ट्रक के पास जाती है। तभी रात वाली फीमेल गोस्ट ट्रक के ओनर को मारने की कोशिश करती है। असल में वो इस आदमी की वाइफ थी और उसे ऐसा लगता है कि उसे उसके हस्बैंड ने मारा है, जबकि ये सच नहीं है। इस मामले को सुलझाने में मैंग जोंग की मदद करती है और आखिरकार जब उसे सच्चाई का इल्म हो जाता है तो वो खुद ही अंडरवर्ल्ड जाने के लिए मान जाती है। मैंग पूछती है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स कैसे हैं? तो वो कहता है कि तुम्हें वक्त आने पे बताऊंगा, अगर अभी बताया तो तुम डर जाओगी। मैंग कैफे जाती है तो उसकी दोबारा बोया से टक्कर होती है। वो मुस्कुराता है और चला जाता है। दरअसल बोया मैंग को पसंद करने लगा था। वो उससे अपना प्यार कन्फेस भी करता है, लेकिन मैंग तो जोंग से प्यार करने लगी थी। दरअसल मैंग और जोंग का रिश्ता तो कई सालों से है। वो हर जन्म में एक दूसरे के लवर्स रहे हैं। कॉलेज में एक प्रोफेसर बोया को बताती है कि उनके कॉलेज का एक स्टूडेंट 3 दिन से
खुद को कमरे में बंद करके गिटार बजा रहा है। ऐसा लगता है कि वो किसी के वश में है। दरअसल बोया कॉलेज में स्पिरिट्स के बारे में पढ़ाता है, तो इसलिए वो इन सब बातों के बारे में जानता है। बोया मैं और एमसी वहाँ जाते हैं तो सामने उस लड़की की जगह उसकी मॉम का भूत था। जोंग को भी किसी दोस्त का सिग्नल मिलता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है। लड़ाई के दौरान वो जोंग पे हमला करने लगती है, लेकिन तभी मैं उसके सामने आके उसे बचा लेती है। दोनों असिस्टेंट्स उस स्पिरिट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और ले जाते हैं। जोंग मैं को अपने घर ले आता है। दर्द से मुक्ति देने के लिए उसमें डिवाइन एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसे पास की कुछ मेमोरीज याद आ जाती है। ठीक होने के बाद मैं पूछती है कि वो जिस घोस्ट की वजह से यहाँ आई है उसका क्या बना, तो जोंग उसे बताता है कि वो घोस्ट ग्रैंडमा का सन है, उसकी एक बेटी भी है। हो सकता है कि उसकी मौत के पीछे उसकी बेटी का हाथ हो। वो कहता है कि उसकी मौत का कारण जानने के लिए ही मैंने ग्रैंडमा की बेकरी में काम करना शुरू किया है। फिर जोंग उसे घर छोड़ने आता है तो सामने बोया खड़ा होता है, जो मैंग का हाल पूछने आया था। जोंग उसे देखते ही मैंग के हाथ में हाथ डाल लेता है ताकि उसे आइडिया हो सके कि हम रिलेशनशिप में हैं। अगले दिन ग्रैंडमा हड़बड़ाहट में कहीं जाने लगती हैं। जोंग कहता है कि वो उसके साथ जाएगा। उन दोनों को जाता हुआ मैंग देख लेती है। ग्रैंडमा उसे मेंटल असाइलम ले जाती हैं, जहां वो उसे अपनी ग्रैंडडॉटर से मिलवाती हैं और उसे अपने साथ घर ले आती हैं। ग्रैंडमा को नहीं पता था कि उनके बेटे की मौत हो गई है, इसलिए वो रोती हैं और अपने बेटे को याद करती हैं कि पता नहीं वो किधर है। ग्रैंडमा को ये बात बताई जाए या नहीं, इस बात को लेके इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। एनसी कहती है कि वो बता देगी ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, और वो ऐसा ही करती है। फिर हम थोड़ा फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। ग्रैंडमा का बेटा ड्रग्स स्मगल करने का काम करता था। एक दिन उसने ये काम छोड़ने का फैसला किया तो इसी कारण उसके बॉस ने उसे मार दिया। उसकी बेटी बहुत रोती है। जोंग मैंग से वही टी बनाने को कहता है जो वो अंडरवर्ल्ड में बनाती थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं बनती। फिर वो लोग सोचते हैं कि हमें इस मामले को सुलझाने में बोया की मदद लेनी पड़ेगी। मैंग उसके घर जाती है तो वहाँ उसे वही फ्लावर्स नजर आते हैं जिसे वो वहाँ यूज करती थी। मैंग वो ले आती है और उससे टी बना के उस घोस्ट की बेटी को पिलाती है ताकि उसकी मेमोरी इरेज हो जाए, क्योंकि जब उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप किया था तो वो पागल हो गई थी। फिर वो लोग उस घोस्ट को भी पकड़ लेते हैं और उसे अंडरवर्ल्ड ले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपनी मॉम और बेटी से मिलने आता है और थोड़ा एक्स्ट्रा इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम और बेटी को रोता देख मैंग भी इमोशनल हो जाती है। जोंग बोया से मैंग को एक दिन की छुट्टी देने को कहता है क्योंकि उन्होंने डेट पे जाना था। डेट को यादगार बनाने के लिए मैंग उसे किस करती है। एमसी बोया को पसंद करने लगी थी, वो उससे अपना प्यार कन्फेस करती है, लेकिन वो खामोश हो जाता है। जोंग का दोस्त चैंग ह्यूमन वर्ल्ड में उसकी मदद करने आता है। वो दोनों बातें करते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो हर तरफ इतनी बुराई फैल रही है, इसमें जरूर बिग बॉस का हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिग बॉस कौन है, तो ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की जानिब बढ़ते हैं। जोंग मैंग एमसी और बोया चारों लंच कर रहे थे, तभी बोया मैंग को एक डायरी देता है उसकी कॉफी की रेसिपी लिखने के लिए, लेकिन उसमें एक नोट होता है जिसे वो जोंग के घर के बाहर छोड़ आई थी। मैंग सोचती है कि जोंग के घर के पास जाना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। वो सोचती है कि जरूर बोया में कोई गड़बड़ है। जोंग को तो पहले दिन से ही उस पे शक था। मैंग क्वीन शिन से कहती है कि उसे अपने पास्ट के बारे में हर बात जाननी है। वो उसे कहती है कि इसके बदले में तुम्हें अपनी इमोर्टैलिटी को छोड़ना होगा, तुम्हारी सोल एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैंग को जब सब कुछ याद आता है तो उसे पता चलता है कि जब वो घोस्ट के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आई थी तो वो उसे सबसे पहले बोया के पास लेके आया था। बोया ने उसे फोर्सफुली किस करके एक मेडिसिन खिलाई थी जिससे उसकी मेमोरी इरेज हो गई थी। मतलब अब हर बात क्लियर हो गई थी कि इविल स्पिरिट्स का बॉस बोया है। उसे अपने पिछले जन्म के बारे में भी सब याद आ जाता है, जिसमें बोया उसका हस्बैंड था। मैंग बोया के पास जाती है जो उसकी मेमोरी वापस आने की वजह से बहुत खुश था। वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं जोंग या किसी और को नुकसान ना पहुंचाऊं, तो तुम्हें जोंग के साथ ब्रेकअप करना होगा। मैंग जोंग के घर जाती है। उस रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अगली सुबह से वो उसे फुल इग्नोर करना शुरू कर देती है और बोया के करीब होने लगती है। फाइनली वो जोंग को ब्रेकअप के लिए बोल देती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। मैंग की किसी गलती के कारण जब उसे गुस्सा आता है तो वो उसे सबक सिखाने के लिए एमसी को टॉर्चर करता है। बोया उसे अपने घर ले आता है और इविल स्पिरिट्स डाल के पोजेस कर देता है। जोंग चैंग को बताता है कि वो जिस रात इंटीमेट हुए थे उस रात वो जानते थे कि बोया उन्हें देख रहा है, मतलब मैं उसकी सारी असलियत जानता हूँ। मैंग को वहाँ भेजना हमारा प्लान है ताकि हम उसे उसके घर में ही रह के मार दे सके। मैं
बोया के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है ताकि वो खुश हो। खाना खाते समय वो रोने लगता है और कहता है कि आज 1000 साल बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाया है। बोया ने पहले भी मैन से धोखे से शादी की थी जबकि वो जॉन से प्यार करती थी। चैंग अंडरवर्ल्ड की इंफॉर्मेशन और प्लैनेटरी अलाइनमेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है क्योंकि जिस घोष ने मैन को बोया को दिया था उसने जॉन को बताया था बोया प्लैनेटरी अलाइनमेंट के टाइम पे कुछ बड़ा करने वाला है। हजारों साल पहले इस टाइम पे 3 स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दरार आ गई थी। अगर कोई इसे दरार को यूज करने की टेक्निक जान ले तो वो बहुत पावरफुल हो सकता है। मैन जब बोया के घर में थी तो वो जॉन से एक रिंग के जरिए कनेक्टेड थी। उन दोनों ने सेम रिंग्स पहनी हुई थी। एक दिन उससे बात करते हुए बोया देख लेता है और गुस्से में एमसी को लेके वहाँ से चला जाता है। बोया अपनी पावर की मदद से ज़ॉम्बीज की फोर्स बनाता है जो पूरे सिटी में तबाही मचाती है। वो एमसी से कहता है कि वो इसे अब इटर्नल होल के सामने लेके जाएगा और उसकी बलि देगा जिससे वो मजीद पावरफुल हो जाएगा। मैन जॉन के घर आ जाती है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। इमोर्टेलिटी चूज ना करने की वजह से वो अब आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी थी। सभी एमसी को बचाने वहाँ आते हैं। लड़ाई में कोयांग की मौत हो जाती है। इससे पहले कि बोया एमसी की बलि देता चैंग जॉन्ग उसे कैद कर लेते हैं और उसके असिस्टेंट उसे अंडरवर्ल्ड में ले जाते हैं। जैसे ही सब ठीक होता नजर आता है मैन की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। जॉन्ग उसके जाने से बहुत दुखी था। वो बहुत रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मैन को कैसे वापस लाए। एमसी सोई होती है तो वो जॉन्ग उसे एक ड्रीम दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो पिछले जन्म में उसका भाई था। फिर वो जाने से पहले उसे मैन की बनाई हुई मेडिसिन खिलाता है जिससे वो मैन और खुयांग की मेमोरी भूल सके क्योंकि अब वो खुयांग को पसंद करने लगी थी। फिर हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जिसमें क्वीन चिन और चैंग बात कर रहे थे कि उन्होंने मैन की सोल को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया है क्योंकि अगर सोल डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंसान दोबारा जन्म नहीं ले सकता। मैन का अंडरवर्ल्ड में अब नाम लेडी मैन 1314 है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर हम ह्यूमन वर्ल्ड का सीन देखते हैं। एनजी रिपोर्टर बन गई है। मैन और जॉन्ग उसे मिलने ह्यूमन वर्ल्ड आते हैं। पहले तो वो काफी देर तक उसे गौर से देखती रहती है क्योंकि उसकी मैन से जुड़ी मेमोरी तो इरेज हो गई थी। फिर अचानक से मुस्कुराने लगती है जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। जॉन्ग को किसी घोस्ट का सिग्नल मिलता है। वो मैन को स्वीट सी फोरहेड किस करके उसे पकड़ने चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।